अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल 29वें रोजे को सऊदी अरेबिया में ईद उल फितर का चांद नजर नहीं आया था और आज 30 रोजे मुकम्मल करने के बाद ही सऊदी अरेबिया में ईद का चांद नजर आएगा। तो यकीनन व्यूअर्स आप ये भी जानना चाहते होंगे कि क्या पाकिस्तान में आज 29वें रोजे को ईद उल फितर का चांद नजर आएगा या नहीं, या पाकिस्तान में भी 30 रोजे मुकम्मल होंगे। व्यूअर्स इस सवाल से रोहित हिलाल कमेटी महकमा मौसमियात और माहिर फलकियात की जानिब से बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। इस हवाले से इन तमाम इदारों का क्या कहना है, रोहित हिलाल कमेटी की क्या खबर सामने आई है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे हमारी आज की इस छोटी सी वीडियो में। तो व्यूअर्स वीडियो को स्टार्ट करते ही आपको बताते चलें कि महकमा रोहित हिलाल कमेटी का यही कहना है कि कवी इम्कानात मौजूद हैं कि सऊदी अरेबिया समेत पाकिस्तान और इंडिया में भी ईद का चांद नजर आ जाए। जी हाँ व्यूअर्स, उनका कहना था कि इस हवाले से काफी ज्यादा इम्कानात मौजूद है कि पाकिस्तान में ईद का चांद 29वें रोजे को ही नजर आ जाए और सऊदी अरेबिया समेत इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर ममालिक में भी कल 10 अप्रैल बरोज बुध के दिन ईद उल फितर मनाई जाए। लेकिन उनका कहना था खत्मी फैसला चांद की शहादत मौसूल होने के बाद ही किया जाएगा। तो व्यूअर्स आने वाली वीडियोस में इस हवाले से करेंगे मजीद अपडेट्स भी शेयर, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, आने वाली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।